अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम चिले कहाँ पे जा रहे हैं? हज़रत शाह लाल शहबाज़ कलंदर की और भी उतरा, तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। हम रास्ते में जा रहे थे तो ये इधर एक दरबार है, दरबार आलिया इब्राहिम बिन मोहम्मद इंस्टीट्यूट है। ये नीचे पीर से सजाद शहशाह दरबार का मेन गेट है, तो अभी हम अंदर जाते हैं। अगर तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, चलिए चलते हैं। तो ये रास्ता है, ये भी बोर्ड लगा हुआ है ऊपर, बोर्ड आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर। ये सामने दरबार है मुझे लगता है, इधर ये दरबार आ रही है। चलिए अंदर जाके देखते हैं अगर कुछ है तो। رسول 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 يا وفي العبدي والديماني وحميد الساعي أمين 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 يا رسول الله يا तो ये इधर से रास्ता होके जाता है सारा ऊपर। तो आइए चलते हैं इधर ऊपर जाके, फिर आपको ज़ियारत कराते हैं। सैयद उस्मान मरवंदी जो लाल शहबाज़ कलंदर के नाम से मशहूर हैं, मौजूदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक सूफी बुजुर्ग और शायर थे। लाल शहबाज़ कलंदर की पैदाइश सिस्तान के शहर मर्द में बगदाद के घराने में हुई। आखिरकार वो सिंध में आबाद हुए और बहुत से लोगों को इस्लाम कबूल करने में मदद की और मकामी सिंधी आबादी की तरफ से इनकी इज्जत की गई। लाल शहबाज़ कलंदर भी बहुत से मुजजात करने के लिए शोहरत रखते थे और इन्हें सिंध में एक इंतहाई मुकद्दस शख्सियत के तौर पर देखा जाता था। वीं सदी का रूहानी सूफी कबत दम दम मस्त कलंदर लाल शहबाज़ कलंदर के लिए वक्फ है और बरसगीर में वसी पैमाने पर मकबूल है। इनका एक शेर है कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समुंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समुंदर नहीं गिरता। ये अंदर चिलेगा है, चिलेगा का अंदर से व्यू आपको दिखा रहे हैं। तो ये पत्थर है, इन पत्थरों में उन्होंने चिल्ला काटा था। और ये इधर रास्ता है, ये छोटा सा रास्ता है जिधर से हम आए हैं, तो बिल्कुल छोटा सा रास्ता है। أحمد